वक्त 1965 में ये मूवी आई थी, सुनील दत्त, राजकुमार, साधना की। और ये मूवी हमने रिसेंटली देखी है साथ अमेजन प्राइम पे। मुझे तो बढ़िया लगी मूवी, मजा आया मूवी में। आपको कैसी लगी दीपांशु? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक पुरानी मूवी जो है वो इतनी अच्छी होगी। वैसे तो सभी पुरानी मूवी बहुत अच्छी, मतलब काफी अच्छी निकलती हैं, बट क्योंकि हम लोग 90s की मूवी देखते हुए बड़े हुए हैं तो हम थोड़ा एक प्री कंसीव नोशन रखते हैं। बट इस मूवी ने मुझे सरप्राइज करा कि बहुत अच्छी मूवी निकली, एक बहुत अच्छी मसाला मूवी निकली मेरे हिसाब से। तो क्या आपको इसमें खास बातें लगी, क्या आपको पसंद आया, कौन सा एलिमेंट या सब कुछ? वैसे मैं कहूँ तो मुझे सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, बट कुछ चीजें जो सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी, चीज तो नहीं कहना चाहिए उन्हें, वो नाचीज हैं, और वो हैं मेरे इधर जो खड़ी हैं ये ओहो, साधना जी। जी साधना जी जो हैं ये, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगले 2-3 रातों तक अब मुझे शायद इन्हीं के ही सपने आने वाले हैं, और मतलब ये मेरे दिमाग पे छाने वाली है, क्योंकि इतनी सुंदर हीरोइन मैंने पुराने जमाने में तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत सायरा बानो इनके करीब आती हूँ, पर अब पुराने जमाने में भी और नए जमाने में, सच कह रहा हूँ मैं, मैंने मुझे नहीं इतनी अट्रैक्शन किसी हीरोइन को देख के नहीं हुई। साधना को तो मूवी में देखते हुए मुझे बॉलीवुड की हीरोइन नहीं लग रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई स्वर्ग की अप्सरा। इतनी खूबसूरत लगी है साधना इस मूवी में। और इस मूवी की जो स्टोरी भी है, एक्टिंग है, वो सभी की कमाल की है। इंटरवल तक तो राजकुमार इसमें छाए हुए है, पर इंटरवल के बाद इसमें सुनील दत्त छा जाते हैं। और राजकुमार के कुछ डायलॉग्स इस मूवी से काफी फेमस हुए थे जो आज तक जाने जाते हैं। जैसे कि कोई डायलॉग आप बताइए इस मूवी का। हाँ मतलब मुझे लगता है, एक तो मुझे राजकुमार जी का तो मैं बिल्कुल फैन हो गया हूँ, क्योंकि मैंने इन अ वे मैं कह सकता हूँ मदर इंडिया देखी थी, बट वो उतनी पूरी तरह से नहीं देखी थी, पर ये मैंने राजकुमार की फर्स्ट मूवी है जो कम्प्लीटली देखी है, और मतलब आई एम सोल्ड, आई वॉन्ट टू वॉच मोर मूवीज। और हाँ बिल्कुल, आइकॉनिक डायलॉग्स की आप बात कर रहे थे कि एक जो बड़ा फेमस आइकॉनिक डायलॉग है कि चिन्मय साहब जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं, एक तो वो था, और एक दूसरा और था जो बड़ा इम्पोर्टेंट है उसी डायलॉग के बाद जो आया था, नहीं, उसके बाद वाला तो मुझे चाकू। ध्यान नहीं आ रहा। वो तो उसके पहले था हाँ कि चाकू जानी दिखाने वाला ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं नहीं, है, लग जाए तो खून निकल निकल आता आता है। है। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल बिल्कुल तो इस मूवी के राजकुमार के कुछ डायलॉग्स हैं जो आज तक फेमस है, और शायद आजकल की जनरेशन को पता नहीं कि ये वक्त पिक्चर के डायलॉग है, तो एग्जैक्टली उनको पता होना चाहिए। और मूवी की स्टोरी बढ़िया है। ये एक कंप्लीट मूवी है। इसमें आप स्टोरी भी है, एक्टिंग है, सस्पेंस है, थ्रिल है, और आखिरी 45 मिनट्स में इसमें कोर्ट रूम ड्रामा है, और सब देख के मजा आता है। बढ़िया मूवी है, एक बार तो मेरे अकॉर्डिंग देखने बनती है। इट्स लाइक ए मस्ट वॉच मूवी कि जो हर कैटेगरी के लोगों को, हर जनरेशन के लोगों को पसंद आएगी। और इसका एक बहुत ही सुपरहिट गाना भी है। हाँ, कौन सा, आइए एक बार सुनाए जाए जरा, वो कौन सा गाना था? ए ऐ मेरी मेरी जोर नाज़ जबी तुझे मालूम मालूम नहीं, तू अभी अभी तक तक है हसी और और मैं मैं जवान, तुझ पे तुझको कुर्बान कुर्बान मेरी जान मेरी मेरी जान। जान। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सारे, मुझे लगता है कि बहुत सारे बॉलीवुड का जो कल्चर है वो इस मूवी के द्वारा ओरिजिनेट करा गया है, जिसको आगे बहुत सारी मूवीज ने फॉलो करा है, और बहुत सारी मूवीज ने फॉलो करा है, रिपीट करा है। हाँ, इसमें जैसे बिछड़े हुए भाई का, भाइयों का अपने पेरेंट्स से बिछुड़ने का जो एक बेस है इसमें, तो ये जो फॉर्मूला था इस मूवी से स्टार्ट हुआ था 1965 की। ये बेहद ही सुपरहिट मूवी थी, और इसके सुपरहिट होने के बाद फिर ये फॉर्मूला आगे कई पिक्चरों में आजमाया गया। इसमें शशि कपूर भी है रोल में। ये तीन भाई है एक्चुअली, राजकुमार, सुनील दत्त और शशि कपूर, जो बचपन में बिछुड़ जाते हैं, और बलराज साहनी इसमें इनके फादर है। और फिर बड़े होने में क्या स्टोरी बनती है, किस तरीके से होता है, वो स्टोरी तो हम आपको नहीं बताएंगे, वो तो आपको मूवी में पता चलेगा। बिल्कुल, और लाइफ की भी बड़ी अमेजिंग आयरनीज इसके अंदर दिखाई हुई है कि जिंदगी में कैसे क्या चीजें करवट लेती हैं, कैसे मोड़ लेती हैं। बट हाँ बिल्कुल, मूवी आपको बहुत अच्छी लगेगी।
बहुत अच्छी एंटरटेनर है, सुनील दत्त तो एवरग्रीन एक्टर हैं, वो तो एपिक एक्टर हैं, तो उनकी मूवी है तो बहुत अच्छी लगेगी आपको। और राज कपूर आपके, राजकुमार के आप फैन हो गए ये मूवी देख के? बिल्कुल, मैं इनकी और मूवीज देखना चाहूंगा इस मूवी को। ओके, इनकी कॉम्बिनेशन की, सुनील दत्त एंड राजकुमार की एक और मूवी है जो मैंने आपको बताया था, हमराज। हमराज वो अब इससे 2 साल बाद आई थी, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस मूवी को आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे वक्त मूवी को? आउट ऑफ 5 मैं इसको दूंगा, अराउंड 4 या 4.5 की रेटिंग दूंगा मैं। ओके, मैं इसको 4 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा इंटरवल तक स्लो चलती है, तो उसके बाद ये पेस पकड़ती है, तो हालांकि इंटरवल तक भी अच्छी है, पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ और इसमें अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स, थोड़ा सा और उतार चढ़ाव, या मे बी फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कॉमेडी डालते तो और ये बढ़िया होती, बट ओवरऑल बढ़िया मूवी है। सो माय रेटिंग्स वुड बी 4 out of 5। बिल्कुल अच्छी मूवी है, और जरूर देखें, आपको अच्छी लगेगी और मजा आएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑलराइट, थैंक यू।